हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियास होममेड डिशेस। आज हम बनाने वाले हैं पालक की सब्जी, पालक और आलू मिलाकर, जो बहुत अच्छा लगता है डिश हमें। देखिए इसके इंग्रेडिएंट्स, हमें चाहिए पालक और प्याज एक बड़ी कटी हुई, दो हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक, पालक में नमक हमेशा थोड़ा कम लगता है, और हल्दी, और हमने आलू लिए हैं दो मीडियम साइज के। चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। पहले गैस को ऑन कर लिया है हमने और इसमें ऑयल डालेंगे। मैं सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ, बहुत थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और हम पहले उसमें प्याज डालेंगे बारीक कटी हुई। हम पहले प्याज, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है और हमने पहले प्याज डाली, इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक थोड़ा हम पका लें। हमारी प्याज अब थोड़ा सा लाइट हो गई है, पिंक कलर में आ गई है। देखिए अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इंग्रेडिएंट्स में बोलना भूल गई थी, अब मैं ऐड कर लेंगी। इसमें हाफ स्पून लिया है मैंने, इसे अच्छे से भून लेंगे। अदरक लहसुन की तरफ अच्छी सी फ्राई हो जाए, देखिए थोड़ा सा भून लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें हल्दी और नमक ऐड करेंगे। अब हम इसमें आलू डाल देंगे, दो आलू मीडियम साइज के मैंने काट लिए हैं, इसे भी थोड़ा भून लेंगे ऑयल में। फ्लेम को लो कर लेंगे। देखिए आलू हमारे थोड़ा सा भून गए हैं, अब हम उसमें पालक ऐड करेंगे। मैंने अच्छे से पालक को साफ कर धोकर पानी के निथरने के लिए रखा था, अब ये पालक मैं इसमें डाल रही हूँ। देखिए इसमें कुछ भी पानी नहीं है, अगर पानी होगा तो बहुत लिक्विड टाइप हो जाएगी। थोड़ा सा ढक्कन इस पर ढाकेंगे तो अच्छे से दम हो जाएगी। अब हमने फ्लेम को लो कर दिया है और उस पर ढक्कन लगाएंगे दो मिनट के लिए। देखिए हमें फ्लेम को हाई किए हुए दो मिनट हो गए हैं और हमारी भाजी थोड़ा सा नीचे बैठ गई है, अब हमें चलाने में आसानी होगी। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छी तरह, और फिर इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ेंगे, ताकि हमारे आलू इसी पानी में गल जाए। हमें एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है, इसी जो भाजी का पानी छूटा है उसी पानी में ये आलू भी गलकर सॉफ्ट हो जाएंगे। तब तक हमें लो फ्लेम पर पकाना है, हमें कम से कम 1-2-3 मिनट और लगेंगे। हम इसे लिड बंद कर देते हैं इसका और फ्लेम को लो कर देंगे। देखिए हमारा फ्लेम लो पे था, अब 2-3 मिनट हो चुके हैं। हम लिड हटा कर देखते हैं, लिड को हटा दिए। देखिए हमारी भाजी का पानी अच्छे से सूख गया है और हमारे आलू भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं, फिर वैसे छूने से टूट गए। हमारे आलू भी हो गए हैं और पानी भी अच्छे से सूख गया है, मैंने एक्स्ट्रा पानी कुछ भी नहीं डाला इसमें। तो हमारी भाजी अब रेडी है, गैस को ऑफ कर लेंगे, ढक्कन को बंद कर लेंगे। अब हम इसे किसी भी पराठा, बाजरा पराठा, कोई भी पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी भाजी पालक और आलू की सब्जी तैयार है, हमने पराठे बनाए हैं। आप भी बनाइए घर पर और एंजॉय कीजिए, और मुझे बताइए आपको कैसी लगी रेसिपी। थैंक यू।